हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक और टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम यहां पर इस तरीके के वीडियो बनाकर देखने वाले हैं। तो यहां पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है टिकटॉक पर। बहुत से लोग यहाँ पर अपने अपने कंट्री के नाम को लेकर के यूज करके यहाँ पर ऐसी वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर ऐसी वीडियो को बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत ही आसान ऐसी वीडियो बनाना, आप बहुत ही आसानी से ऐसे वीडियो को काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे टिकटॉक के ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आते रहता हूँ। तो सबसे लोगों के कहने के अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास काइन मास्टर का मोड ये भी नहीं है जिसमें वाटर मार्क नहीं आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्निकल विकास सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर मोड APK दे दूँगा। और उसके बाद आपको वहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है काइन मास्टर को। और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्लस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बीच वाला 9:16 का रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको मीडिया में जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले आपको अपने वीडियो को लेकर के आना है जिस वीडियो को आपने यहाँ पे शूट किया है। तो हम आपको वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाए थे कि हमने यहाँ पर इस तरीके से लिपसिंग करते हुए वीडियो को शूट किया है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ एक्टिंग किया है। आप यहाँ पे इससे भी बढ़िया एक्टिंग करके अच्छे से वीडियो को शूट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही हाथ मारते हैं वैसे ही आपको वीडियो को रोकना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक टेक्स्ट देना होगा यहाँ पे कोई भी कंट्री का नाम लेकर के। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको लेयर दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि लेयर पर क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर आप किसी कंट्री का नाम लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे अमेरिका लिखते हैं। और अमेरिका लिखने के बाद आपको यहाँ पे जिस कंट्री का नाम लिखते हैं उसका आपको यहाँ पे इमोजी लगाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। और इसे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सा कंट्री आ जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च बार में वहाँ पर कंट्री का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर उसका इमोजी आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर उसको लेकर के यहाँ पर लगा देते हैं उसके इमोजी को। और उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ AA पे क्लिक करना है और यहाँ से एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक ब्लैक रोबोट वाला सेलेक्ट लेते हैं, रोबोट ब्लैक। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसके कलर को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप किसी भी कलर को रखना चाहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके शैडो को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड को इनेबल करना होगा आपको, तो इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। और फिर बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करके आपको यहाँ से एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, वाइट ज़्यादा अच्छा दिखता है। और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप उसके कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रेड कर देते हैं। और इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना है। तो हम आपको यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हाथ मारने पर कंट्री का नेम आएगा। और फिर आप जैसे ही दोबारा हाथ मारते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर दूसरे कंट्री का नाम आपको लिखना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पहले लिखे हैं उसको आपको यहाँ पे फुल वीडियो में कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दोबारा जैसे ही आप हाथ को मारते हैं वैसे ही आपको फिर से रोकना है। फिर आपको वही करना है, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट में जाना है और उसके नाम को लिख लेना है, फिर इमोजी लगा देना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि सभी कंट्री का नाम लिख लिया है, चार कंट्री का नाम लिखना था, सब में प्रोसेस सेम है, वही करना है आपको जो हमने अमेरिका वाले में लिख के दिखाया था। और इतना लिख लेने के बाद अब जब यहाँ पे इंडिया लिखने का बारी आएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे सभी इमोजी को कट करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस टेक्स्ट पे और फिर कैची पे जाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कट कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से सभी टेक्स्ट को यहाँ पर कट कर देते हैं, कैची पर जा करके सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ से कट जाएगा आसानी से। तो ये सब क्या होता है कि यहाँ पे अचानक से मतलब ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया का नाम लिखना है या अपने कंट्री का नाम लिखना है। तो फिर कैचे पे जाकर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसी के सब ख़त्म हो चुका है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि फिर लेयर पे क्लिक करना है और टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर हमें अपने कंट्री का नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर फ्लैग को सेलेक्ट करना है। तो हम बता देते हैं कि आपको फ्लैग कैसे सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर इमोजी वाले आइकन में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली इंडिया लिखेंगे। और इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे इंडिया लिखेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन फ्लैग आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हर एक कंट्री का फ्लैग यहाँ पर ले सकते हैं।
और इसके बाद हम अभी क्या करते हैं कि इसको शेयर कर देते हैं अच्छे से। तो इसको भी आपको वही करना है, सिंपली आपको पहले ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, और इसके बाद इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है कि इसको जूम कर देना है, यहाँ पे आपको अपने हाथों के बीच में रखना है और फिर डबल ए पे क्लिक करके अच्छे से इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको इसके कलर को भी अच्छे से सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे डबल मतलब सर्कल पे क्लिक करते हैं, और सर्कल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सर्कल से किसी कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम शेडो बंद कर देते हैं और एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अच्छे से सेलेक्ट करके फिर ओवरऑल एनिमेशन में जाना है आपको, और ओवरऑल एनिमेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे किसी कलर को सेलेक्ट कर दे मतलब किसी एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे फ्लोटिंग ही रखेंगे, तो हमने यहाँ से एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया है, और फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बन चुका है। वीडियो बन जाने के बाद आपको यहाँ शेयर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।